प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य प्रबंधों पर एक बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता मंदिर आयुक्त एवं जिलाधीश उना राघव शर्मा ने की है। बैठक में डीसी ने भीड़ प्रबंधन के बारे में अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की तथा कहा कि मंदिर क्षेत्र को 4 सेक्टरों में बांटा जाएगा, जिसकी निगरानी का जिम्मा सेक्टर मैजिस्ट्रेट करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की बंदिशें खुलने के बाद रविवार व अन्य छुट्टी वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए शंभू बैरियर, चिंतपूर्णी सदन व MRC में बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं की भीड़ का प्रबंधन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने पुलिस विभाग को एक अतिरिक्त बटालियन तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि छुट्टी वाले दिनों में व्यवस्था दुरुस्त रहे। जिलाधीश ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों में बेहतर तालमेल के लिए चिंतपूर्णी SHO को मंदिर सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो पुलिस जवानों के साथ साथ होमगार्ड व मंदिर के सुरक्षा कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर तैनात जवानों को बॉडी कैमरा व वॉकी टॉकी भी दिए जाएंगे। बताते चले कि चिंतपूर्णी मंदिर में मां के भक्तों की रौनक लगी हुई है, जिसके चलते रोजाना मंदिर क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। रोजाना मां के भक्त परिवार संग मां के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। वहीं मंदिर अधिकारी अभिषेक भास्कर ने भी तीनों जगह बनाए गए दर्शन पर्ची स्थल का निरीक्षण किया और दर्शन पर्ची स्थल पर श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधा मिल सके, इसको लेकर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह के साथ चर्चा की। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं मुहैया करवाई जाए। मंदिर अधिकारी अभिषेक भास्कर ने बताया कि श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह है और कई राज्यों से श्रद्धालु जो माता रानी के दर्शनों को पहुंच रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि दर्शन पर्ची स्थल पर बैरिगेट व रस्सियां लगाकर ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे कि श्रद्धालुओं को दर्शन पर्ची लेने के लिए ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। आज उपायुक्त उना महोदय के निर्देशानुसार जो एक मीटिंग रखी गई थी उना जिला में, तो इसमें हमने जो श्रद्धालुओं के जो भारी उत्साह है माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में, उसको मद्देनज़र रखते हुए और पुख्ता इंतजाम करने की जो व्यवस्था की गई, तो जैसा कि आदेश है कि अब जो हमारा चिंतपूर्णी दर्शन है वो 4 सेक्टर्स में डिवाइड होगा और जो हमारी दर्शन पर्ची हैं उन्हें और सुदृढ़ करने के लिए, ताकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे तथा सभी नियमों का पालन हो, इसके लिए हम जो हैं पूरे प्रयासरत हैं और प्रशासन जो है इसके लिए प्रबंध कर रहा है। जो आने वाले अगर रविवार या छुट्टी वाले दिन में रश पड़ता है तो उसके लिए हमें तैयारियां कर रहे हैं, तो श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए प्रशासन जो है पूरी तरह से प्रयासरत है। हमें भी श्रद्धालुओं से थोड़ा सहयोग चाहिए कि जो जो सरकार के नियम हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करें, मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, ताकि जो आपका यहाँ पर दर्शन के लिए जो आपका जर्नी है वो सक्सेसफुल हो और आप सब अच्छा फील करें। धन्यवाद। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चिंतपूर्णी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।